राजस्थान ही नहीं, भारत एक ऐसा देश है जहाँ समाज के अनुसार लोक देवी देवताओं की पूजा उपासना की प्राचीन परंपरा चली आ रही है। इन्हीं लोक देवताओं में राजस्थान के मुसाणिया भैरु के प्रति लोगों में अटूट आस्था है। आइए आज हम आपको लिए चलते हैं राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित रायसर गांव, जो कि पहले जमवा रामगढ़ तहसील में आता था, अब आंधी तहसील में स्थित है रायसर गांव, जहां पर मुसाणिया भैरु जी का एक विशाल मंदिर है। मुसाणिया भैरु का मंदिर लाखों भक्तों की श्रद्धा और भक्ति का संगम कई वर्षों से बना हुआ है, जो कि श्रद्धालुओं के लिए एक आस्था का केंद्र है। जयपुर से मंदिर की दूरी करीब 55 किलोमीटर की है। यहाँ जाने के लिए सड़क मार्ग से जाया जाता है। जब आप सड़क मार्ग से जाओगे तो आपको कई मनोरम दृश्य देखने को मिलेंगे। यह मंदिर मिट्टी के टीलों और पहाड़ियों के नज़दीक स्थित है। यहाँ का दृश्य मन को मोह लेता है। ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले यात्रियों के मन को सुकून पहुंचाते हैं। बताया जाता है कि यह मंदिर राजा महाराजाओं के टाइम से है। यहाँ के निवासी पहले खेती किया करते थे और अपने पशुओं को यहाँ चराया करते थे। उन्होंने मुसाणिया भैरु को खम्भे के रूप में देखा और उसको खड़ा किया और उसको यहाँ के लोगों ने मुसाणिया भैरु जी माना और तेल सिंदूर करके पूजा की और लोगों ने अपनी खेतीबाड़ी आदि के बारे में मनोकामनाएं पूर्ण होने को कहा। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। फिर सभी लोग भैरु जी की पूजा करने लगे और देखते ही देखते आसपास के गांव वालों ने भी पूजा करना शुरू कर दिया। लगातार यह सिलसिला चलता रहा। फिर यह बात राजा महाराजाओं के पास पहुंची तो उन्होंने बाबा का चमत्कार देख राजा महाराजाओं ने अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने को कहा तो उनकी भी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। आज यहाँ जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से बाबा के यहाँ आते हैं उन सब की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मुसाणिया भैरु का मेन भोग दारू की बोतल, बाटी, बाकले, लौंग का जोड़ा व पताशा आदि चढ़ाया जाता है। बाबा के यहाँ गढ़ जोड़े की जात लगती है। जब किसी की शादी होती है तो वह बाबा के यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं। संतान प्राप्त होने पर चौटी जड़ूला भी चढ़ाते हैं। मुसाणिया भैरु का मेला साल में दो बार नवरात्रों में 7 और 8 नवमी को भरता है। यह 3 दिवसीय मेला होता है। ऐसे तो पूरे नवरात्रा यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। नवरात्रों में सभी जाति के लोग यहाँ आते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। मेले में कई प्रकार के बाजार भी लगते हैं। अस्थाई रूप से यहाँ पर काफ़ी दुकानें सजती हैं। यहाँ दूर गांव से आने वाले श्रद्धालुगण अपनी पसंद से खरीदारी करते हैं। समिति की तरफ से मेले में आए यात्रियों के लिए खाने पीने का भंडारा भी लगाया जाता है। अब तो यहाँ राजस्थान से ही नहीं, कई राज्यों से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। मुसाणिया बाबा को तंत्र मंत्र का देवता भी माना जाता है। भैरु जी की कृपा के बिना तंत्र साधना अधूरी रहती है। मुसाणिया भैरु की पूजा अर्चना करने से परिवार में सुख समृद्धि रहती है और स्वास्थ्य की रक्षा होती है। किसी महिला पुरुष बच्चे के जब कोई बाहरी छाया लग जाती है तो यहाँ मुसाणिया भैरु के मंदिर में बाबा के दर्शन करने के बाद वह बोल उठती है और उस बुरी आत्मा से बाबा छुटकारा दिलाते हैं। जब श्रद्धालु बाबा के दर्शन करते हैं तो मंदिर के बाहर ही सीताराम स्वामी और अघोरी बाबा के दर्शन करते हैं और धुने में नारियल, अगरबत्ती, प्रसाद, घी आदि चढ़ाते हैं। मंदिर के पास ही शंकर भगवान का मंदिर है। श्रद्धालु जब मुसाणिया भैरु के आते हैं तो शंकर भगवान के भी दर्शन करते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में शिव जी के 5वें अवतार माने जाते हैं भैरव। भैरु जी दुष्टों को दंड देने वाले और भक्तों की रक्षा करने वाले देवता हैं।
उपासना की दृष्टि से भैरव जी एक दयालु और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। भारतीय संस्कृति प्रारंभ से ही प्रतीकवादी रही है और यहाँ की परंपरा में प्रत्येक पदार्थ तथा भाव के प्रतीक उपलब्ध हैं। यह प्रतीक अभ्यात्मक है, जैसे स्थूल भी है और सूक्ष्म भी। सूक्ष्म भावनात्मक प्रतीक को ही कहा जाता है देवता, क्योंकि भय भी एक भाव है, अतः उसका भी प्रतीक है, उसका भी एक देवता है। और उसी भय का हमारा देवता है रायसर का मुसानिया भैरव। तो बोलो रायसर के मुसानिया भैरव जी की जय।